इट्स एनएसआरबी लाउंज और आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी रमज़ान स्पेशल की। ये फर्स्ट रेसिपी है, फर्स्ट रमज़ान पे हम बना रहे हैं जी चना चाट, और मज़ेदार किस्म की ये चाट बनेगी, बहुत टेस्टी, जिस तरह की आपको बाज़ारों में मिलती है उसी तरह का फ्लेवर इसका भी हम डेवलप करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, चने जो रात में रख लिए थे फिर उनको सुबह हमने बॉयल कर लिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा नमक ऐड कर लिया है हमने, और अब हमने इसकी जो चटनी बनती है, और सबसे मेन काम जो है वो चटनी ही करेगी इसकी, ठीक है। बाकी हमने क्या करा है जी, आलू हमने बॉईल कर लिए हैं 2 अदद, एक अदद आपने प्याज ले लेना है, ठीक है। उसको मैंने ना नमक डाल के, सिरका थोड़ा सा डाल के पानी में रख लिया ताकि इसकी कड़वाहट जो है ना वो कम हो जाए, और इसमें जाएगा देख रहे हैं आप, एक अदद टमाटर जो है हमने वो कट करके रख लिया। ये 3 चीज़ें हो गई हमारी, हमने ये बना लिया, और इसके अंदर धनिया पुदीने और हरी चटनी जो होती है, धनिया पुदीना और हरी मिर्च की जो बनाते हैं हम, वो टेस्टी सी वो एक जाएगी चटनी, और एक अदर चटनी और जाएगी, और हम बनाएंगे मीठी चटनी जो कि आपको बाज़ार में मिलती है, बहुत मज़े की होती है। उसके लिए हमें चाहिए इमली, इमली में हमने पानी ऐड करके रख दिया है, और साथ में उसको मिठास देने के लिए क्या चाहिए होता है, और उसके मिठास के लिए जो चाहिए होता है गुड़ इसके अंदर, और इस तरह से ये मीठी चटनी तैयार होती है, बहुत मज़े की। और इसमें हमने जस्ट कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, ज़ीरा, धनिया का इस्तेमाल करना होता है, और ये बहुत टेस्टी बन जाती है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम जो है अपनी चटनी प्रिपेयर करेंगे, और बाकी चीज़ें तो संभल करनी होती हैं आपको। तो हम चलते हैं, हम अपनी चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं, और ये बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और जब मेहमान इसको खाएँगे तो वो ज़रूर आपसे पूछेंगे तो आपने घर पे बनाई है या आपने कहाँ से मंगवाई है, इतनी टेस्टी क्यों है ये। तो आप लोग फिर अपनी रेसिपी तब बताइएगा कि हमने तो ये घर पे बनाई है और बहुत मज़ेदार ये बनेगी। चले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। आपने कोई भी पैन ले लेना है, और उसके अंदर आपने जो है पहले आप ऐड कर दें इमली के पानी को। अच्छा, आपने इसको अच्छे से जो है ना बल्ब्स निकाल के और फिर ऐड करना, ठीक है। मैं सारा ये ऐड करती हूँ, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर देना है सारा, इसका पल्प काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा है, ठीक है, ये ऐड कर देंगे, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जी गुड़ वाला पानी, मतलब। अच्छा, इसको आपने देख लेना है कि आपने मिठास कितनी रखनी है, फिर उस हिसाब से आप ऐड करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसमें ये जो हूँ ऐड कर रही हूँ, और फिर मैं इसको चेक करके, तो ऑब्वियसली रमज़ान का पहला रोज़ा है, चेक नहीं हो सकता, तो हम जो है इसको अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर लेंगे। अदरवाइज आप चटनी आपने जो है आप कोशिश करें कि आप इफ्तारी के बाद बना के रख लें, और ये तकरीबन 1 मंथ आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसको हमने फिर गा लेना है ताकि इसकी थिकनेस भी हो जाए, और ये मीठी सी मज़ेदार सी हमारी चटनी रेडी हो जाती है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर ऐड क्या करना है, हमने इसके अंदर मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्ची और नमक ऐड करना है, ज़ीरा ऐड करना है, और हमने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया ऐड करना है, ठीक है। पिंच ऑफ मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया। अच्छा, फिर हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे, और हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्ची पिंच ऑफ, और हम रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है जी। और हम, अच्छा, इसके अंदर जो है रेड कलर भी ऐड होता है इसको कलर देने के लिए, तो फिलहाल हम नहीं ऐड करेंगे, आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, और आप चाहें तो इसकी थिकनेस को करने के लिए आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है जो चटनी होती है, मीठी बहुत मज़े की होती है। आपने इसको इतना पकाना है कि इसकी थिकनेस जो है ना वो अच्छी सी हो जाए, बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा थिक फॉर्म में चाहिए तो आपको ऑब्वियसली इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना होगा, तो फिर ये बहुत अच्छा सा थिक सा फ्लेवर डेवलप कर देगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। ये हमारी एक चटनी रेडी हो जाएगी, जब तक हम दूसरी चटनी रेडी करेंगे, हमने ले लिया है पुदीना, और इसके अंदर हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे, और धनिया आप ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से हमने जो है बीट करना है, और फिर ये हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो ग्रीन चटनी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं दही, अदरवाइज़ आप दही की लेयर अलग लगाएंगे, और उसकी भी आपने एक अच्छे सा फॉर्म बनाना है, अच्छे सा फेंटना है उसको, और इसमें आपने थोड़ा सा जो है आइसिंग शुगर ऐड करनी है, और साथ में आपने उसके अंदर थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक को ऐड करना है, और वो भी बहुत टेस्टी हमारी जो है ना तैयार हो जाएगी। जो चटनी है ना मीठी, वो भी बिल्कुल रेडी होने वाली है, बिल्कुल थिकनेस इसकी कंफर्म यही अच्छी रहेगी। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ।
नाउ वी आर असेंबलिंग। आपको चटनी मैंने दिखा दी थी, मैंने ठंडी करके इसमें डाल दी है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने अब असेंबल करना है। हमने कर लिए थे अपने चने बॉयल, अब आपने चने ले लेने हैं। आप फर्स्ट ईयर चनों की ऐड कर दें, ठीक है। इस तरह से मज़ेदार सी हमारी जो है ना ये चाट रेडी हो जाएगी और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी होती है। और अब हमने क्या करना है, आपने इसमें ऐड करनी है अपनी ग्रीन चटनी। आप ग्रीन चटनी ऐड करें पहले, ठीक है। ये देखिए हम इसमें ऐड करेंगे अपनी ग्रीन चटनी, ठीक है। ये सिंपल सी धनिया पुदीने की हमने चटनी बनाई हुई है, हमने वो ऐड कर दी इसके अंदर। फिर हम ऐड करेंगे अपनी मीठी चटनी, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे। आपने अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड करना है, कोई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपको पता है। तो इसके अंदर अब हम प्याज ऐड करेंगे अपने, फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। और साथ ही हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। अच्छा, मैंने बहुत ज्यादा और इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया। इस तरह से हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। देन हम इसके अंदर अपना मैजिकल जो है चाट मसाला ऐड करेंगे, बहुत मजेदार सा, ठीक है जी। ये तो इसका टेस्ट आपका बिल्कुल ही दुबाला कर देगा। ये देख रहे हैं आप कितनी कलरफुल एक तो ये बन रही है, बहुत टेस्टी जो है ये तैयार होती है, आप देख रहे हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे व्हाइट योगर्ट। हमने इसके अंदर जस्ट थोड़ी सी हमने ऐड की है शुगर, आइसिंग शुगर, मतलब आइस को पीस के, और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करके आपने ऐड करना होता है, और ये आपकी हो जाता है ऐड। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने तीनों तरह की चटनीज ऐड कर ली, हर चीज ऐड कर ली। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी पापड़ी ऐड कर सकते हैं, तो मैं थोड़ी सी ना इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा जो क्रंच का फ्लेवर है ना वो बड़ा मज़ेदार सा किस्म का है। तो हमने थोड़ी सी पापड़ी इस स्टेज पे ऐड करनी है, बाकी हम जो है ना बाद में ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर रिमेनिंग जो हमारे चने थे हम इनको भी ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इस तरह से आप ऐड करेंगे और अब हम दोबारा से लोडिंग करेंगे। उसी तरह से हम टमाटर ऐड कर देंगे उसके ऊपर, ठीक है। अगेन हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। अच्छा, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा फिर आप बाद में चेक करके भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम जो है अगेन मीठी चटनी का टच देंगे। आपको कैसी लगती है, कम या ज़्यादा किस तरह की पसंद है मीठी चटनी, आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। प्याज ऐड कर देंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर आलू अपने मज़ेदार किस्म के, ठीक है। ये हमारा हो गया। और हम एट द एंड अपनी मज़ेदार किस्म की जो चटनी है ना, सिंपल दही का तड़का लगा देंगे आप इसके ऊपर। ये बहुत टेस्टी जो है ना आपकी चाट बिल्कुल जो बाजारों में मिलती है ना उसका टच देगी आपको, बहुत टेस्टी बनती है, ठीक है। और अब आपने एड एंड अगेन थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना चाट मसाला, ठीक है। ये देखिए ना कोई कलरफुल मज़ेदार किस्म का ये, ठीक है। ये हमारा हो गया। और आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा जस्ट फॉर द कलर पर्पस हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। और अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो है पापड़ी ऐड करेंगे और धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा, जस्ट फॉर द कलर पर्पस, ठीक है। बिल्कुल खस्ता पापड़ी है, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार किस्म की पापड़ी है हमारी ये। और इसने आपकी चाट की जो है ना चार चांद लगा देने। मज़ेदार किस्म की हमारी जो है चाट रेडी हो चुकी है, टेस्टफुल यमी सी हमारी जो ये है चाट है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।